नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, हस्तरेखा की सीरीज में हम कमल के फूल का अभी कुछ पर्वतों के ऊपर कुछ विशेषताएं बाकी रह गई थी, उस विशेषताओं को पूरा करने के लिए हम एक बार फिर से दोबारा उसी अध्याय को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि देखते हैं कि कुछ पर्वतों पर क्या फूल की खुशबू क्या बिखेरता है। जैसे कि फूल का मैंने पीछे इसकी बड़ी अच्छी विशेषताएं बताई थी और कुछ पर्वतों पर उस विशेषताओं का क्या महत्व होता है, आइए अपने हाथों पर एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि यह शुक्र का पर्वत है, यह शुक्र का पर्वत है, शुक्र के पर्वत के ऊपर अगर यहां पर एक जो बनता है फूल कमल का, ये कमल का फूल बनता है। वैसे तो फूल हमेशा सुंदरता का ही प्रतीक माना जाता है, खुशबू का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हाथ में एक बहुत बड़ा शुभ का भी काम करता है। ये कहते हैं ना कि ये शुभ फल प्रदान करता है। धीरे धीरे अपनी इस मधुरता को फूल की खुशबू की तरह बिखेरता है और जीवन में ये जो शुभ चिन्ह है इंसान के उसमें काफी परिवर्तित कर देता है। अब यहां पर क्या कुछ फल देता है, कहते हैं यहां पर शुक्र के पर्वत के ऊपर झंडे गाड़ देता है। ऐसे लोगों को शुक्र का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कहते हैं कि यहां पर शुक्र के कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और मन की वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। और ऐसे लोग शास्त्रीय संगीतकार भी होते हैं और गाने की भी कला रखते हैं, डांस का भी कला रखते हैं। और ऐसे लोगों को हम एक काफी शुभ और अच्छे कलाकार के रूप में प्रस्तुत करता है। यहां पर अगर ये हाथ में फूल का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोगों को मां सरस्वती, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और जीवन में मान सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। इसी प्रकार से देखते हैं मंगल के क्षेत्र पे, ये मंगल का क्षेत्र है, यहां पर ये कमल का फूल क्या कुछ कहता है। कमल का फूल यहां पर कर गुजरने की चाहत रखता है, इंसान सच के लिए लड़ता है। कहते हैं ना पराक्रम दिखाता है, यहां पर पराक्रम ऐसे सच्चाई की तरफ, निडर वाला काम करता है, डरने वाला काम नहीं करता। यहां पर ऐसे लोग अगर किसी भी बड़े पद पर आसीन होते हैं तो वो आर्मी से जुड़े होते हैं और या तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, साहसी काम करते हैं। ऐसे लोग हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हैं कला के कौशल में, पराक्रम के कौशल में, जैसे कि तलवारबाजी, तीरबाजी, घुड़सवारी, मतलब पराक्रम वाले काम करते हैं यहां पर और उच्च पद भी दिलाता है यहां पर ये कमल का फूल। इसी प्रकार से ये राहु के क्षेत्र के ऊपर है, राहु के क्षेत्र के ऊपर ये जो कमल का फूल है, कहते हैं ना यहां पर तो मां लक्ष्मी खुद आकर बैठ जाती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के उस काल में, अपने जीवन के उस पड़ाव में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, लोगों का हित का काम करने वाले होते हैं, लोगों का पराक्रम का काम करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग अगर लकड़ी से जुड़े हुए कारोबार, कोयले से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, जीवन में विशेष सफलता मिलती है और जीवन में एक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, इनके ऊपर विशेष कृपा बनी होती है।
राहु के पर्वत पे काफी शुभ साइन माना जाता है यहाँ पर, और ऐसे लोगों को निरंतर सफलता की तरफ लेके जाता है। इसी प्रकार से केतु के पर्वत के ऊपर देखते हैं, ये केतु के पर्वत के ऊपर, ये केतु के पर्वत के ऊपर कहते हैं कि यहां पर अगर केतु के पर्वत के ऊपर ये चिन्ह बनता है, बहुत शुभ साइन होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म लेते हैं और माता पिता का मान सम्मान करने वाले होते हैं। कहते हैं ना, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए होते हैं, बड़े घर में बड़े सौभाग्यशाली होते हैं और धार्मिक वाले होते हैं, लोगों का भला करने वाले होते हैं और माता पिता की सच्चे मन से सेवा करने वाले होते हैं और जीवन में का विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से ये चंद्रमा के क्षेत्र के ऊपर, यहां पर कमल का फूल, ये कमल का फूल यहां पर, कमल का फूल अगर चंद्रमा के क्षेत्र, चंद्रमा हमारा मन है। कहते ना, यहां पर जो भी चीजें हम लेंगे अपनी वाणी से देंगे, अपनी मधुर आवाज को देंगे, यहां पर आवाज को मधुर बना देता है। और ऐसे लोग कहते हैं ना कि एक दूसरों के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, दूसरों को सम्मोहन करने में, दूसरों की बोली में, इनकी बोली में इतना प्यार होता है कि दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। कलाकृतियों के अंदर प्रेम इनका काफी जागृत होता है और ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, ऐसे लोग कलाकार हो सकते हैं और ऐसे लोग उत्तम लेखक भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को सफेद कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है। जल कीड़ा जैसे पानी के आसपास रहते हैं ना, तो इनको काफी बहुत अच्छी कलाकृतियां करना आता है और ऐसे लोग प्राकृतिक के प्रेमी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।